नो न्यूज इज गुड न्यूज। पेड इंक्वायरी हर मसले का हल नहीं है। हर चीज के लिए आपको पेड इंक्वायरी नहीं करनी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट। उम्मे मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो अपलोड की थी एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में कि स्टडी वीजा का बहुत ज्यादा इंटरव्यूज आ रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है। तो उसके जवाब में बहुत ज्यादा जो आप लोगों की क्यूरी आ रही है वो आ रही है वीज़ा टाइमलाइंस के हवाले से कि हम वीज़ा फाइल करते हैं उसके कितने दिन बाद हमारा वीज़ा आएगा, या अगर बीच में हमें एम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है तो किस हिसाब से टाइम हमने कैलकुलेट करना है, डिफरेंट टाइप्स की जो ईमेल्स हमें आती हैं उनका क्या मतलब है, उनके बाद वीज़ा की क्या जो है वो प्रोसेसिंग में डिले आता है। तो आज मैं ये सारी ईमेल्स जो आपको UKVI से रिसीव होती हैं ड्यूरिंग योर वीज़ा प्रोसेसिंग, और अगर आपको बीच में इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो उसके बाद आपका वीज़ा कितने दिन में प्रोसेस होगा, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो देखें सबसे पहले क्या होता है कि जब आप अपना यूके का वीज़ा फाइल करते हो कोई सी भी कैटेगरी का, तो वीज़ा एप्लीकेशन जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप फाइल करते हो तो आपको ईमेल आती है कि अपने बायोमेट्रिक्स बुक कर लें। आप उसके बाद अपने बायोमेट्रिक्स बुक करते हो, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। उसके बाद जब आप अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट पर जाते हो, आप बायोमेट्रिक्स दे आते हो, पिक्चर खिंच जाती है आपकी, सब काम हो जाता है। जब आप वापस आओगे तो आपको या तो उसी दिन या अगले दिन एक ईमेल आएगी डिस्पैच की, ठीक है, कि हमने आपका जो पासपोर्ट था वो हमने एम्बेसी को डिस्पैच कर दिया है। दैट मीन्स कि आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग का जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जिस दिन आप बायोमेट्रिक्स देकर आते हो उस दिन से आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है। पहली ईमेल आपको आती है डिस्पैच की। डिस्पैच की ईमेल को आपने कोई जवाब नहीं देना होता, बस आपको वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने डिस्पैच कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर तो आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंटरव्यू भी नहीं आना, आपका कोई डॉक्यूमेंट भी एडिशनल नहीं लगना, कुछ भी मसला नहीं है जैसे मेरे साथ हुआ था फर्स्ट टाइम, तो आपको फिर नेक्स्ट 2-3 वीक्स में कोई ईमेल नहीं आएगी। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ये मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई ईमेल नहीं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमने इस डेट को वीज़ा फाइल किया, हमें डिस्पैच की ईमेल आई थी, उसके बाद हमें कोई ईमेल ही नहीं आई, हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम पेड इंक्वायरी कर लें। पेड इंक्वायरी हर मसले का हल नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको पेड इंक्वायरी नहीं करनी। आप जितना ज़्यादा उनको ईमेल सेंड करोगे, जितना ज़्यादा उनको आप एक तरीके से तंग करोगे, उतना ज़्यादा आपका वीज़ा डिले का शिकार होगा। अगर आपको कोई ईमेल नहीं आ रही तो इसका मतलब कि सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने नॉर्मल प्रोसेसिंग में वीज़ा डाला था और आपको डिस्पैच की ईमेल आई, उसके बाद आपको कोई ईमेल नहीं आई, वेल डन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, विद इन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो तीसरा हफ्ता होगा जिसमें आपके 15 दिन पूरे होंगे, उस हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में, यानी कि 15 से 20 दिन जो आपने वर्किंग डेज काउंट करने हैं, तो विद इन 3 वीक्स ऑफ योर बायोमेट्रिक्स आपको ईमेल आनी चाहिए। आपको एक ईमेल आएगी। अब वो ईमेल या तो एम्बेसी के ऑफिस की तरफ से भी हो सकती है, UKVI की तरफ से, कि हमने आपका जो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन थी दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, और प्रोसेस्ड वीज़ा एप्लीकेशन हमने वापस आपके पासपोर्ट कलेक्शन ऑफिस की तरफ भेज दी है, ठीक है। इस ईमेल से हरगिज़ भी ये पता नहीं चलता कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड और हम आपको वापस हमने भेज दी है। उसके 1 या 2 दिन के बाद, या कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है, 1 या 2 दिन के बाद आपने अगर SMS सर्विस ली हुई थी तो SMS आ जाएगा, वरना ईमेल तो आपको लाजमी तौर पे आएगी। आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है जहां पर आपने अपने बायोमेट्रिक्स लिए थे, उस ऑफिस की तरफ से आपको ईमेल आएगा कि आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आएगी, ठीक है। तो टोटल अगर आपका हर चीज स्मूथ है और आपका कोई मसला नहीं है, आपने स्टैंडर्ड में अप्लाई किया था, तो टोटल आपको 3 ईमेल आनी चाहिए। कभी कभी 2 भी आती हैं, वीज़ा हैज़ बीन प्रोसेस्ड वाली जो एम्बेसी की ईमेल होती है वो कभी कभी नहीं भी आती, डायरेक्ट आपको वीज़ा ऑफिस से फ़ोन आ जाता है कि आके अपना, या ईमेल आ जाती है कि आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। अब इसी में मैं बात कर लूँ वो लोग जो प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने प्रायोरिटी में जब डाला स्पेशली स्टडी वीज़ा, बाज वीज़ाज होते हैं कि जिनकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है, वैसे तो हर वीज़े की ज़रूरी होती है, या तो आप बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हों, आपके पहले UK के वीज़ाज लगे हुए हों,
और आपको इमरजेंसी जाना हो तो आप प्रायोरिटी वीजा लगाओ, तो क्योंकि उनको आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, आप फ्रीक्वेंटली जाते आते रहते हो, आपका 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 उन्हें पता है कि इस बंदे के डॉक्यूमेंट्स में चीजों में कोई मसला नहीं होता, पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी कैटेगरीज में आपका प्रायोरिटी में वीजा लग जाता है, ठीक है, या रेयरली होता है कि आपका लग जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप प्रायोरिटी में वीजा डालते हो तो आपको वीजा डिस्पैच ईमेल के बाद जो अगली ईमेल आएगी विद इन अ वीक, हो सकता है 2 दिन बाद ही आ जाए या अगले ही दिन आ जाए, वो आएगी एनएसएफ, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको आती है क्योंकि आप प्रायोरिटी में वीजा डालते हैं। जब आप प्रायोरिटी में वीजा डालते हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होनी है, या आपका स्टडी वीजा है, या आपका वर्क वीजा है, जिसकी चीजों की छानबीन होनी है, कभी भी आपका वीजा नहीं आएगा। बहुत बहुत कम, 100 में से कोई 1 या 2 लोग होते हैं जिनका प्रायोरिटी अप्लाई करें और प्रायोरिटी में वीजा आ जाए, बाकी सबको वो ईमेल सेंड करते हैं नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की। ये ईमेल वो आपको इसीलिए सेंड करते हैं कि आप सब्र करके बैठ जाएं, क्योंकि अब आपका वीजा जो प्रायोरिटी वीजा की टाइमलाइन थी 5 दिन की, उसमें प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। वो इसीलिए आपको ये ईमेल सेंड करते हैं पहले से, ताकि आप 5 दिन गुजरने के बाद पेड इंक्वायरी पे पेड इंक्वायरी करनी शुरू ना कर दो, ठीक है। तो अगर आपने प्रायोरिटी में वीजा डाला था और डिस्पैच ईमेल के बाद आपको एनएसएफ की ईमेल आई, दैट मींस के नॉर्मल वीजा प्रोसेसिंग जो टाइम है 15 से 20 वर्किंग डेज का, उसी में ही आपका वीजा प्रोसेस होना है, और तब तक आपको एम्बेसी को किसी किस्म का कोई कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एनएसएफ ईमेल के बाद अगर आपको फर्दर कोई ईमेल नहीं आती, ऑल इज गुड। एनएसएफ ईमेल आपको सिर्फ प्रायोरिटी वीजा डालने की वजह से आई है, इसका आपके और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्मूथली आपका सारा काम हो गया, एंड पे आपको भी वही 2 ईमेल्स आएंगी जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन की, लेकिन वो आपको 15 से 20 दिन के टाइम फ्रेम में आएंगी। अगर उस दौरान में आपका वीजा नहीं आता, यानी कि 20 दिन गुजर गए और वीजा नहीं आया, फिर आपने पेड इंक्वायरी करनी है। उससे पहले आप अगर पेड इंक्वायरी करोगे, आपका प्रोसेसिंग टाइम मजीद बढ़ता जाएगा, डिले होता जाएगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको इनके अलावा ईमेल्स आती हैं। किसी भी कैटेगरी में आपने वीजा डाला, दोनों का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, प्रायोरिटी का भी नॉर्मल का भी। आपको ईमेल आई डिस्पैच की, प्रायोरिटी था तो एनएसएफ की आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि आपने वेट करना शुरू किया और 3 या 4 या 5 दिन के बाद आपको मेल आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या किसी डॉक्यूमेंट की उनको समझ नहीं आ रही, या कोई चीज कम है, कुछ भी मसला है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो आपको वो ईमेल भेजेंगे और आपको वो 10 दिनों का टाइम देते हैं टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू, ठीक है। इसमें डेफिनेटली आपका वीजा थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लेगा प्रोसेस होने में, क्योंकि अब अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स फॉरन अवेलेबल थे तो आप उसी दिन ही जमा करा दोगे, फिर भी ठीक है, वो एक एक कुशन वो रखते हैं, थोड़ा सा 5-7 दिन का रखते हैं। अगर आप बहुत क्विकली काम करते हो, फिर पॉसिबल है कि फर्दर डिले ना आए और वो नॉर्मल प्रोसेसिंग में ही आपका 15 से 20 दिनों में हो जाए। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपको 10 दिन का टाइम दिया, 7 दिन आपने ले लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में, 7वें दिन 8वें दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, तो वो 7 दिन तो आपके एक्स्ट्रा लग गए। उसके बाद आपका वही विद इन अ वीक और सो आप लगा लो, मतलब आप वो 7-8 दिन जो आपने लिए हैं वो आप माइनस कर दो, और आप उसके बाद आगे आप कैलकुलेट कर लो कि अगर आपको हफ्ते के बाद ही मिलाई थी तो 2 हफ्ते मजीद आप उन्हें दोगे, वही 3 वीक का टाइम बनेगा और फिर आपका वीजा आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया, हमारा वीजा नहीं आया। अगर 20 दिन का आपका टाइम जो था वो आपका पूरा हो गया, उसके बाद ही आपने उनको पेड इंक्वायरी करनी है, उससे पहले नहीं करनी। फिर एक केस आता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, जब मैंने सेकंड टाइम अपना वीजा फाइल किया, तो वीजा फाइल करने के आई थिंक 10 दिनों के बाद मुझे ईमेल आई कि आपका हमने प्रोसेसिंग, मेरी तो नहीं थी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की, उन्होंने कहा हमने इनकी, इन दो बंदों की प्रोसेसिंग हमने रोक दी है, क्योंकि आप लोगों ने जो हेल्थ सरचार्ज पे किया है वो पूरा नहीं है, इतनी इतनी अमाउंट आपकी मिसिंग है। वो जब उसको वो कन्वर्जन रेट लगाते हैं तो बाज दफा पैसे थोड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपके इतने इतने पैसे मिसिंग हैं, ये पैसे आप पे करें, 10 दिनों का आपके पास टाइम है, उसके बाद आप जो रिसीट होगी, जो आप पैसे पे करेंगे, वो आपने हमें ईमेल करनी है और आपने हमें इन्फॉर्म करना है, तो इनकी वीजा प्रोसेसिंग शुरू होगी। विद इन 10 डेज अगर आप नहीं करोगे तो हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे।
बहरहाल मैंने उसी दिन ही वो IHS का एडिशनल जो पेमेंट थी वो पे की, और जो मेरी जो भी उसके साथ रिसीट वगैरह देनी थी वो करके मैंने ईमेल उसी दिन ही मैंने सेंड कर दी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है विद इन अ वीक मेरा वीज़ा आ गया था, बिकॉज मेरे ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके थे। तो वो 1 दिन 2 दिन जो ईमेल आने का लगा वो माइनस करके हफ्ते के अंदर दोबारा हमारे सारों के वीज़े आ गए थे। तो ये होती है बात कि आपको एक IHS का भी बाज़ दफ़ा मसला बन जाता है, उसके लिए भी आपको ईमेल आ सकती है, या आपका TB टेस्ट में कोई इशू है उसके लिए भी ईमेल आ सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरव्यूज़ की कि आपको हफ्ते बाद या जितने भी दिनों के बाद आपने वीज़ा फाइल किया, आपको डिस्पैच की ईमेल आ गई, फिर आपको एक इंटरव्यू की ईमेल आ गई। अब इंटरव्यू आजकल वो बाद में जो है आपको करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। तो आप इंटरव्यू दोगे, अब फॉर एग्जांपल आपको डेट कब की मिली है, 2 दिन बाद की या 4 दिन बाद की मिली है, तो वो सारा टाइम आपका प्रोसेसिंग में काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। इंटरव्यू स्केड्यूल करने से लेकर जब तक आप इंटरव्यू देते नहीं हो, उस बीच में वो जितना भी टाइम बनता है, 2 दिन बाद, 4 या 6 दिन बाद जब आपका इंटरव्यू होना है, वो सारा टाइम आप निकाल दो अपनी प्रोसेसिंग में से, ठीक है। प्रोसेसिंग आपकी दोबारा से, समझो जिस दिन आपको ऐसी कोई ईमेल आती है ना, आपकी प्रोसेसिंग वहां पर पॉज हो जाती है। फिर जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हो उसके 1 या 2 दिन बाद आप समझो कि आपकी प्रोसेसिंग दोबारा से रिज्यूम हो जाती है। तो वो बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपने एक्सक्लूड कर देना है अपने प्रोसेसिंग टाइम में से। तो आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने के 1 या 2 दिन के बाद जो है समझो आपकी प्रोसेसिंग टाइम दोबारा से शुरू हो जाता है और उसके बाद आपका वीज़ा आएगा। तो वही 15-20 दिन जो आपका हो उसको आप हिसाब लगा लेना, लेकिन बीच में जितना टाइम होगा, जो इंटरव्यू का टाइम होगा, उससे डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिले आपके प्रोसेसिंग में आता है, बिकॉज आप एडिशनल एक चीज़ है वो बीच में आ गई है, वो आप कर रहे हो, फिर आप उसकी दोबारा से वेरिफिकेशन होगी, हर चीज़ होगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये कुछ बेसिक ईमेल्स हैं जो कि एम्बेसी की तरफ से आप लोगों को मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आप करते हो पेड इंक्वायरीज, ठीक है, अब आप लोग अपना केस थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे खुद भी खराब करते हैं कि वीज़ा फाइल किया, फाइल करते ही परेशानी लग गई कि अब हमारा वीज़ा कब आएगा, अब 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। देखिए जो टाइम है ना प्रोसेसिंग टाइम, वो आपने सुकून से गुजारना है। अगर 20 दिन हैं तो 20 दिनों तक आप भूल जाएं, सिर्फ दुआ करें कि आपका कोई मसला ना बने और आपका वीज़ा आ जाए। जब आपके 20 दिन से भी, ये नहीं कि 21वां दिन हुआ और आपने ईमेल कर दी, बास दफ़ा 1 आधा 2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। या तो आपकी बहुत मजबूरी हो, जैसे अब जो स्टूडेंट्स करेंगे जिनकी कोर्स बिल्कुल शुरू होने वाला है, जिनका टाइम बहुत शॉर्ट है, जिनको आगे कैस के मसले हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अब कैस आपके सस्पेंड भी कर देती हैं, ये भी बहुत इशू चल रहा है, उनकी बात समझ में आती है। पर जिन्होंने महीने पहले से डाला हुआ है, अगर आप जितनी ज़्यादा पेड इंक्वायरीज करोगे उतना आप अपना केस खुद ख़राब करोगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अभी प्रोसेसिंग टाइम भी पूरा नहीं हुआ होता, बीच में आप पेड इंक्वायरी कर देते हो, जैसे ही पूरा हुआ आपने पेड इंक्वायरी कर दी। अब रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया कि हमने उन्हें पेड इंक्वायरी की, तो ये ईमेल आ गई कि जी फाइनल स्टेजेस में है डिसीजन रिव्यू के। अब इसका क्या मतलब है, ये डिसीजन रिव्यू का क्या मतलब है, क्या हमारा नहीं लग रहा, क्या हमारा लग रहा है, ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं। वो आपको ये बता रहे हैं कि आपका वीज़ा अभी प्रोसेसिंग में ही था, अभी फाइनल स्टेज पर है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया, जब हम डिसाइड करेंगे हम डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। तो आप जब एडिशनल ईमेल डालते हो, पेड इंक्वायरी करते हो, तो उसकी आपको एडिशनल ईमेल्स आती हैं कि अभी इस स्टेज पर है, या अभी एस्केलेट किया है, या अभी हम देख रहे हैं, या क्या है, तो उसका उस हिसाब से मतलब निकलेगा। इसमें किसी भी ईमेल में आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वो किसी ईमेल में भी, UKVI का ये रूल है कि वो आपको वाया ईमेल कम्युनिकेट नहीं करते कि आपके वीज़ा का डिसीजन क्या होगा। जब एक बार डिसीजन हो जाता है उसके बाद अगर आपका रिजेक्शन हो, उस सूरत में सिर्फ आपको ईमेल आती है, बाज़ दफ़ा वो भी हर किसी को नहीं आती। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका रिजेक्ट भी करना हो उन्होंने खुदा ना खास्ता, तो जब आप लेने के लिए जाते हो पासपोर्ट, उसके बीच में ही आपका रिजेक्शन लेटर रखा हुआ होता है और आप वहां से पढ़ सकते हो अपने रीजंस के क्यों रिजेक्ट हुआ। कुछ केसेस में वो रिजेक्शन जब उन्होंने करनी होती है तो वो आपको वाया ईमेल इन्फॉर्म कर देते हैं आफ्टर डिस्पैचिंग योर पासपोर्ट, आपको एक ईमेल आ जाती है जिसमें आपके सारे रिजेक्शन के रीजंस लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा डिसीजन होने से पहले कोई भी अगर ईमेल आएगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं या उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। ये आपको सिर्फ तभी पता लगेगा जब आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाते हो,
ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, पैनिक नहीं होना और खाम खा बिला वजह अपना केस खराब नहीं करना। जितना सब्र करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपका वीजा आ जाएगा और उतना ज्यादा जल्दी आपका केस स्मूथली प्रोसेस होगा। तो मैंने सोचा ये ईमेल्स के हवाले से थोड़ा बता दूं, और टाइमलाइन की बहुत कंफ्यूजन चलती है, सबसे ज्यादा सवाल मुझे इसी पे ही आते हैं, इस डेट को हमने बायोमेट्रिक्स दिए, इस डेट को हमारा ये आया, ये ईमेल आई। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को इसमें से कौन कौन सी ईमेल आई, और अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।